चलो बढ़ गई है तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, समझ आया? ये तो बाद में हो गई है, तो आप क्या लिखोगे? कि जैसे हमको मालूम है a क्या होता है, p 1 plus r by 100 to the power n, तो a को क्या ले लोगे? That is population in 2003, तो फिर p क्या होगा? होगा पलट बोलो, क्योंकि वो इनिशियल अमाउंट है, बुक में क्वेश्चन पढ़ो, तो पॉपुलेशन इन 2001 अनमोल एन क्या होगा? बोल तो वहीं से बोल दो, पढ़ के तो गई हो क्वेश्चन। हाँ बोलो, निकल टू इयर्स वो बोल ही नहीं रहा, कह रहा कि आवाज ही नहीं पहुंचेगी सर वहां से। अच्छा अनमोल आर क्या है? बोल दो वहीं से बोल दो ना, तो फिर क्या पड़ गया? 5%। तो सारी वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी थी बताओ? 2003 में कितनी पॉपुलेशन है? 54,000। और ये पूछ रहा है, और बाकी सारी वैल्यू रख दो, तो ए की जगह रखी है 54,000, पी नहीं पता, आर फाइव पता है जैसा कि अनमोल ने बताया, तो 54,000 इज इक्वल टू पी, और इसको एलसीएम ले लो तो यहाँ 100 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा देवांशी? प्लस फाइव और 2 आ जाएगा, 54,000 is equals to P 105/100। जस्मिता अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ऊपर नीचे क्या आएगा बोलो? बताने और नीचे बताते हैं, नीचे 21 और 20, 54,000 is equals to P, 21 by 20 into 21 by 20, ये चीज हो गई। अच्छा ये दोनों 20 ऊपर जाएंगे और ये 21 नीचे जाएंगे, तो 54,000 into 20 into 20 और नीचे 21 into 21 और उधर क्या रह जाएगा? P, तो 54 कैसे बोलिए? 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 7 जा 21 और 3 1 is 3 और 3 8 जा 22, तो एक आ गया, और फिर कितने जीरो लगेंगे? 4, ये भी 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 7 जा 21, ठीक है, यही 4 जीरो है। अच्छा 3 जीरो थे, 3 जीरो हो गए। अब किसको 3 से कट करो? उसको भी 3 6 जा 18
7 से तो नहीं कटेगा, तो अब हम इसमें इसको डिवाइड कर लें 749 से, सो पी इज इक्वल टू 6000 और डिवाइडेड बाई 49, सही है। तो हम उसका राउंड ऑफ कर लेंगे, जो भी डिसिमल में आएगा पॉपुलेशन तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती ना, तो 49 से करो 6006, 49 इज 49, 11 बच गया, तो अब कितनी बार जाएगा 49 टू इस क्या होता है देवांशी, डबल करो, हाँ बोलो, बताया करो, देर ना लगाओ, फिर दूसरे बता देते हैं ना, अब बताओ कितना सब्ट्रैक्ट होगा, फटाफट बताओ, हाँ देखो इतनी देर लगाओगी तो दूसरों को तुम फिर चांस दे दोगी, 49 है, कितनी बार जाएगा, ठीक है 98, दो बार तो यहीं जा रहा था तो तुम वन से क्यों बोल रही हो, दो बार तो 98 में जा ही रहा था, तो दैट इज 2, और यहाँ 11 है तो 2 बच गया, 0 लगाओ तो अब कितनी बार जा सकता है, बोलो दिव्या, पलक भाई 2 टाइम्स में 98 आ रहा है, 4 टाइम्स में 196, 4 टाइम्स तो सीधा ही जा सकता है, 4 टाइम्स में क्या आएगा बोलो, डेसिमल लगा दिया तब 0 बढ़ाया, क्योंकि तो एक 0 ये आ गया और ये वाला 0, तो ये 0 कैसे आएगा डेसिमल लगाने से, तो 4 टाइम्स में 196 आ गया, तो कितना आ जाएगा 4 23 है, 34, अगर मान लो और भी तुम्हें करना है तो 0 लगा दो, तो 6 बार में चला जाएगा 100 100 100, बल्कि 7 बार में 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28 में 6 जोड़ो तो लगभग ठीक ही है, बाकी -3 बच गया कि नहीं, उल्टा घटाओगे तो -3 बचेगा, वो छोड़ दो, उससे ज्यादा मतलब नहीं, अप्रोक्सीमेटली 122.47 आ गया, हम इसे क्या लिखें, ये कितनी पॉपुलेशन है, कितना 20 into 20, अच्छा वो भी बचे 20 into 20 तो कटेगा नहीं, 400 से और मल्टीप्लाई करें, 400 से करो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 4 से करो 4 7 जा 4 4 जा 16 तो 18 4 2 जा 8 और 9 4 2 जा 4 1 is 4, दो 0 लगाओ और एक डेसिमल लगा दो, अब पीछे एक बार आंसर देखो, 980 आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करके करें क्या, हमारा अप्रोक्सीमेशन आ गया, पहले मल्टीप्लाई कर लो, मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा, बट फिर भी करके देख लो, अच्छा इतना आ गया ठीक है, 6 4 जा 24 और 1 2 3 4 जीरो हो गए, 6 4 5 जीरो हो गए ना, 6 4 24 3 2 5, अब करो 49 से, 49 से तो 98 196, अब 94 चार ही बार जाएगा, 196 तो यहाँ 4 बच गया और 3 है 13 है तो 44 बचा, 440 तो कितनी बार जाएगा, 50 है तो 5 9 45 8 टाइम जा सकता है, 8 9 जा 392, तो कितना बचेगा 8 और 13 है, 13 पे 0 लगा दो तो अब 9 टाइम जाएगा, 392 9 से करो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 में 8 जोड़ो 40
फोर, तो वन कैरी कर लो, टेन नाइन, और ये सेवन है तो थ्री, ये जीरो यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ आ गया, अभी एक जीरो और यहाँ आएगा ना, 390 आ गया, तो 392 तो नहीं जा सकता ना, तो ये कितनी बार गया था, एट टाइम्स, तो सेवन टाइम लो, तो सेवन नाइन जा, सेवन नाइन जा 63 और सेवन फोर जा 28 प्लस 6 34, वन कैरी करो 10, तो सेवन एट, तो फोर आ गया, अब ये वाला जीरो भी आ जाएगा, 470 आ गया है, तो ये तो ठीक है ना, 441 441 वाला कौन सा था, 9 टाइम्स, तो इसलिए आ जाएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया है 10th प्लेस तक, तो दैट इज 441 आ गया, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 29 है, अब डेसिमल लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 290 है, 290 है, तो चार पाँच छः बार जा सकता है, है ना, छः नौ चौवन और छः चौको 24, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 294, वो ठीक है, यानी अब इस सिक्स से इसको राउंड ऑफ करो, तो क्या होगा बोलो, डेसिमल में तो नहीं हो सकता, तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा, वही इसको 80 कर देगा, 79 से क्या हो जाएगा 80, ये तो नहीं बढ़ सकता है ना, तो इसलिए पीछे आंसर क्या आ रहा है, 4898 0, समझा, एक तो बढ़ेगा ना 9, लेकिन यहाँ एक बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो इसलिए देखो 4897 9.6 और दैट इज इक्वल्स टू 48980 अप्रॉक्स, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, सो व्हाट वुड बी पॉपुलेशन इन 2005, इसका सेकंड पार्ट देखो, तो कह रहा है अगर एन की जगह कितना आ जाएगा अनमोल, 2 पॉइंट, ठीक ठीक बताओ, ये ठीक बताना, बोलो व्हाट वुड बी पॉपुलेशन, आप सिर्फ 2001 को इनिशियल वैल्यू लो, 2001 से ही लो, तो 2001 में इतनी थी, अब एन की जगह 4 ले लो, समझ आया, या तो इसको उठा के भी 2 रख सकते हो, तो 2 रखना ज्यादा ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो 4 सारे हो जाएंगे, 4 को फिर सॉल्व करो, एन को 4 रखने का, तो अगर हम कह दें कि पॉपुलेशन, बताइए पॉपुलेशन इन 2003 कितनी थी, बताओ यहाँ से 54,000, इसी को पी ले लो, और पॉपुलेशन इन 2005 इसको क्या ले लो, ए, या यही पूछा गया है, तो कितने साल का अंतर है, जैसा कि अनमोल ने बताया कि सर यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 पॉइंट बता रहे थे, एग्जैक्टली वो 2 ही बताना चाहते थे, अब हम देखें आर कितना है, दैट इज 5%, तो अब ए इज इक्वल्स टू पी, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, मान सी इसमें वैल्यू पुट करो, कोई बात नहीं, रिया किसकी जगह, पी की जगह 54,000, 1 प्लस 5 बाई 2 द पावर 2, यही हमें चाहिए 2 साल बाद, तो 54,000 और अंदर कितना आ जाएगा, अगर 100 है तो 100 प्लस 5 और 100 प्लस 5 बाई 100, जैसा कि जस्मिता ने बताया कि अगर इसको 5 से कट कर दिया जाए तो जस्मिता क्या आ जाएगा, 21 और 20, सो दैट इज 5400021/20 और 21/20 तो कट गए, अब 2 है, 2 से जस्मिता इसको कट करूंगी कितना आएगा, 27
एक से लिखता हूँ से कट करोगे तो 270 जस्मिता 2 से कट करोगे तो क्या आएगा हाँ 135 अब 135 21 into 21 so that is 135 into 441 वन से करो अब फोर से करो फोर फाइव या 20 फोर थ्री या 12 फोर वन इज फोर तो फिर से 540 देखो 5 3 5 9 5 तो क्या आ जाएगा अब एक बार आंसर चेक करो 5 3 5 सो पॉपुलेशन In this is equal to this. पहला क्वेश्चन का क्या लिखा है? स्कूल में कॉपी है। ये बैक्टीरिया जैसे मान लीजिए दही जमाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो पी हो गया इनिशियल काउंट शुरू में बैक्टीरिया कितने थे इनिशियल और एन कितना बताओ कितने घंटे बाद पूछ रहा है टू आवर्स तो टाइम इन आवर्स और ये ए क्या है फाइनल काउंट और आर क्या है रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ इतनी बात समझ में ठीक है और शुरू में कितने बैक्टीरिया थे ओके तो 5 0 6 0 0 तो ये शुरू की ग्रोथ है 5 0 6 0 0 0 और 10 20% से बढ़ रहा है 2.5% पर आवर देखो क्वेश्चन पढ़ो कह रहा है कि शुरू में बैक्टीरिया इनिशियली कितने थे वो इनिशियल काउंट है और रेट कितना है 2.5% पर आवर से बढ़ रहे हैं तो दो घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे वो फाइनल काउंट कहलाएगा ये इनिशियल काउंट लिख दिया रेट लिख दिया और दो घंटे लिख दिए 5 0 6 0 0 0 और 100 तो 100 प्लस 2.5 स्क्वायर हटा देंगे तो 5 0 6 0 0 0 और आ गया 102.5/100 अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो क्या जीरो बढ़ जाए और फिर यही चीज फिर से लिख दी जाए 1025/1000 वही चीज फिर से लिख दी अब देखो इसमें दो एक जीरो से कट गया एक जीरो से कट गया एक जीरो से कट गया अब इसको कट करो 5 से कहाँ से बताएं फिर से बताएं क्या क्या समझ गया मान लो शुरू में बैक्टीरिया कितने थे इनिशियल काउंट और हर घंटे में किस परसेंट से बढ़ रहा है देखो 2.5 से बराबर तो दो घंटे बाद उस कर्ड में या दही में कितने बैक्टीरिया हो जाएं ये पूछा गया तो दो घंटे टाइम लिख दिया ये रेट लिख दिया ये इनिशियल काउंट है और ये फाइनल काउंट हो गया और फिर ये अगर हम करेंगे तो 100 प्लस 2.5 हुआ लेकिन अगर हम डेसिमल हटा देंगे तो जीरो बढ़ जाएगा और वही फिर से लिख दिया 3 0 3 0 से कट गए अब 5 से इसको कट करो 205
तो 5 2 10 देखो इसको फिर से देखो, कुछ लोग फिर 25 ही लिख देते हैं 1025, जब दो डिजिट लेना तो फिर उसका जीरो लगता है, 5 2 एक डिजिट उतारा नहीं गया तो जीरो लगाओ, फिर दूसरा डिजिट उतारो तो 200, तो 205 हो गया। और जस्मिता नीचे क्या आएगा, थोड़ा तेज बोला करो, 200 हुआ। अनमोल इसको इसको 5 से कट करो, जरा 5 से करो, देर लगाते हो, बोलो 205 जब बगल में किया गया है 5 से कट, तो वही क्यों नहीं बोल देते आप, तो साइंटिस्ट हो, तो देखिए उसको करो तो 40, इन दोनों को 5 से कट करो, नहीं हो पाने का, रयान 5 से कट करो, 41 नीचे 8 आ गया। अच्छा ओके, नाउ 8 हो गया है, तो अब क्या ये 8 से कट होगा, 36 नहीं कट होगा, 4 से कट होगा, 10 तो भी नहीं कट होगा, 2 से कट हो सकता है, 2 से ये कट हुआ और 2 2 या 4 2 5 या 10 3 आ गया। अब 4 से और कुछ नहीं कट हो रहा ना, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 253 में किसका मल्टीप्लाई, 205 का पहले करो, 5 से करो, 420 कर दिया, 42025 और अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 41 का है ना, 41 का भी करो, अब इसमें 42025 में किसका करोगे, 41 का 1 का करो, 25 और 4 का करो, 45 जा 24 2 जा 8, तो 8 तो फिर 100 हो गया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 5 2 0 3 17 आया, तो 1 7 2 3 0 2 5 और अपॉन 4 दिया, वर्ली इसको कट करो, 4 से करो, 4 3 0 4 3 0 सर, फिर 8 नहीं सर, 7 वेरी गुड, फिर 2 5 5 फिर से पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, अभी 25 है, तो 2 5 20 तो हो गया ना, 25 का करो कुछ, 25 का सही 24 आएगा, तो 6 अब बताओ, अब ठीक है, तो कितना हो गया बताओ, इतना रख लीजिए काउंट है, पीछे आंसर देखो क्या यही दिया है कि कुछ कम ज्यादा, और कितना 5 3 1 6 1 6 5 3 1 तो फिर ये गलत किया आपने, ये आपने मल्टीप्लाई ठीक नहीं किया हुआ, हमने आपकी मल्टीप्लाई के भरोसे हमने आगे बढ़ गए, मैं खुद करके देखता हूँ, इन्होंने हमें मल्टीप्लाई बताया था, मैं चेक करूँ ये सही बताया था कि नहीं, 253 into 205 5 से करो, 5 3 15 5 5 25 26 5 2 10 12 फिर 0 से करो, फिर 2 से करो, तो 2 3 6 2 5 10 और 2 2 4 5 तो 5 6 8 1 5 इतना आ रहा था, तुमने ये बता दिया, चलो कोई बात नहीं, तो 5 1 8 6 5 है, 5 1 8 6 5 और इंटू 41 करें, तो फिर 41 करो, नाउ 1 से करो 5 1 8 6 5 और 4 से करो 4
फोर फाइव या 24 सिक्स या 24 26 फोर एट या 32 34 फोर वन या 4 और फोर फाइव या देखो 4 8 या 32 तो 34 4 1 या 4 3 7 और 4 5 या 30 तो 5 6 4 4 5 6 7 8 12 और ये आ गया अब शायद सही आ जाए तो 2 1 2 6 4 6 5 by 4 आयुषी इसको डिवाइड करो आयुषी को आंसर दीजिए कलर 5 हो गया 3 1 6 जो कि 4 से किया तो 5 3 1 24 है तो 6 आ गया फिर 1 20 5 आया 6 और 2 5 अब चेक करो आंसर सही है ये डेसिमल में ही आ रहा है अब लास्ट क्वेश्चन करें हर्ड तो एक स्कूटर खरीदी गई है और उसका डेप्रिसिएशन क्योंकि हर साल उसकी कीमत घटती चली जाएगी तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होगा वन माइनस लग जाएगा क्योंकि कीमत घटेगी जो भी सामान है तो शुरू में नई स्कूटर कितने की दी गई बोलो अनमोल 42,000 कहाँ लिखा जाए एक जगह की टी की जगह आर की जगह 42 ये ठीक करें जस्मिता आप भी बताओ 42,000 किसकी जगह बोलो ए की जगह है मानसी सी की जगह टी क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू है और डेप्रिसिएशन के बाद में आएगी सो इनिशियल वैल्यू 42,000 है क्योंकि जो शुरू में तुमने पैसा लगाया वो पी होता है ना प्रिंसिपल अमाउंट और फिर धीरे धीरे वो घटता चला जाएगा कितना डेप्रिसिएशन है स्कूटर में 8% है और कितने साल बाद निकालना है तो वन ही लिख दो ये तो आसान चीज है तो 42,000 और 100 माइनस 8 तो 42,000 और ऊपर कितना आ जाएगा 500 दो जीरो से दो जीरो चले गए अब देखो 420 into 92 तो 420 सही है बोलो इतने रुपीज है तो रुपीज लिख देना ये चीज हो गई ठीक है नाउ आप लोग सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करिए दैट इज द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर आफ्टर वन ईयर कॉस्ट क्या लिखोगे ऑफ स्कूटर आफ्टर वन ईयर इज रुपीज 38640 बैक्टीरिया काउंट आफ्टर टू आवर्स ओके आफ्टर टू आवर्स इज 531616 फिर से देखो कि यहां से फिर से देखो हमने इतनी वैल्यू रख दी कि शुरू में इतने बैक्टीरिया थे ये रेट ऑफ ग्रोथ थी और ये टू है तो अब जरा देखो कि आपके पास 506000 है और 1 प्लस 25 बाई 1000 लिख दोगे बोलो अच्छा ये बताओ 25 4 जा कितना होता है 100 तो अब बताइए कि 506000 और 1 प्लस 1 बाई 40 उसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा
40 प्लस 1 और यहाँ फिर से 40 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बताइए, 40 का 2 बना जाएगा। सो 506000 41/40 और 41/40। अब एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, अब 4 से इसको कट करो, बोलो 4 बन जा 10 आया, 4 2 जा 8, 2 बच गया 26, 4 6 जा 24, फिर 20 बचा, तो 4 5 जा 20, इतनी बात समझ आ गई। 1 2 6 5 तो आ ही गया, 1 2 6 5 और into 41 कितना होता है? आता है 1 6 8 1, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, चलो 1 2 6 5 into 1 6 8 1 1 2 6 5 8 से करो, 8 5 जा 8 6 जा 48 52, 8 2 जा 16, तो 21, 8 1 जा 8 तो 10 आ गया। अब 6 से करो, 6 5 जा 6 6 जा 6 2 जा 6 1 जा, अब 1 से करो, 1 2 6 5 1 2 6 5 तो 5 6 4 15 और 12 फिर 7 2 9 सर 16 आएगा ना, कहाँ बताऊँ सर, जगह 5 6 ये 9 10 ये 6 आ जाएगा। अब ये चीज आ गई, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, तो 2 1 2 6 4 6 5/4 दिव्या डिवाइड करो, 5 3 1 1 आ गया, 6 1 6.25 तो कितना हो गया 5 3 1 6 1 6 अप्रॉक्स। समझ में आ गई बात, ये मेथड अलग आसान लगा क्या? चलो ये तो सवाल करो सेकंड और थर्ड।